Hey guys, I hope all of you are doing fine and having an absolutely fantastic day. This is Wilson, aka Dr. Vlogger, and welcome to my vlog. So, आज है 10 तारीख 10th of January और अभी हमारा plan है कि अभी हम लोग निकलेंगे और जाएंगे थोड़ा monastery घूमने. तो चलिए आप लोगों को पहले हम दिखाते हैं monastery कैसा है. वो है ना वो that one Ikfa University. अच्छा. bigger building. और वो उधर वो जो बड़ा building दिख रहा है ना वो ही हमारा government hospital. और वो क्या वो जो सबसे चला वो क्या वो जो टावर जैसा वो टावर वहाँ पे अच्छा वो हमारे यहाँ टीवी टावर है ये नीचे वो था छोटा गेट था ना यहाँ पर वो स्मृति भवन लिखा है ना मतलब ये नीचे वो सिमेट्री है. अच्छा. तो अभी हम लिंगडम मोनास्ट्री में हैं. यहाँ पे दो मोनास्ट्री है गैंगटॉक में और भी बहुत से मोनास्ट्री है लेकिन यहाँ पे तो हम लोग दो मोनास्ट्री का ही हमें पता था आने के लिए रूमतेक और लिंगडम. तो हम लोग चाहते थे कोई एक मोनास्ट्री में आए और उसमें ही अच्छे से आराम से कुछ देर पीसफुल मोमेंट्स बिताए. पहले हम लोग अपर सीचे में थे वहाँ से हम लोग लोअर सीचे में आए उससे हम लोग रांका में उतरे. रांका से निकल के हम लोग पहुँचे लिंगडम के तरफ. तो ये पूरा एक बड़ा सा लिंगडम मोनास्ट्री है बहुत पीसफुल मोनास्ट्री है. इनका अपना छोटा सा मेडिकल सेंटर है. यहाँ पे पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी है आगे की तरफ यूनिवर्सिटी है. फिर कुछ गिफ्ट शॉप्स भी है एंड लाइक यहाँ पर आपको MG मार्ग में जो भी सामान मिलता है वो यहाँ पर वो आपको कम दाम में मिलता है. मैं बॉल कितना करके बॉल अलग अलग अच्छा टच करते ही देगा. अच्छा अलग अलग है टंबक है. अच्छा आपको एक आता है कलर वाला रात को रेड कलर येलो कलर ब्लू कलर वाला आता है ये है मेटल डिफरेंट कलर है मेटल नहीं जो तो मैसंग वाला है ये है मेट है अच्छा वाला है तो दूसरे लोग कलर वाला दम कम है. अच्छा ये है मेट है अच्छा वाला है 700 ये होता किस लिए है ये मेडिटेशन के लिए ये मैगी का बॉल मेडिटेशन मतलब खुद से करना होता है. हां ऐसे हां यहाँ रखो मैन फैशन यहाँ पे ड्रेस ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है शिवानी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यार बहुत अच्छा लग रहा है शिवानी शिवानी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि महाराणी बना देगा. अभी आप लोग मेरे को देखेंगे पहनते हैं. अरे पहले दीदी को देखो साइड हटो साइड हटो तुम से तो साइड हटो दीदी कभी दीदी को फोकस में आने दो. गजी और भैया टोपी. अरे वाह वाह पानी दोगे बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर नहीं जा रहे भीड़ भाड़ हो जाएगा लेकिन वाह गेट खोल दो. और ये टोपी कहां से पहनी है ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कहीं यहीं की लग रही है ना. हां एकदम लोकल लोकल लगने लग गई लंबोरिया. अभी अभी यहां से ये सब मैडम लोग के लिए है. जैसे लोगों अरे हाँ मैं पहनूंगा ना. हाँ पहनो इसको पहना ये किसे कहते कॉन्फिडेंस. तुम जिन्हें मानोगे तुम तो जरूर मानोगे. अरे वाह वाह महाराजा बनने देगा. अरे जरूर अनीश नहीं पहन रहा क्या. संदीप तो सबसे पहले पहनेगा. अनीश नहीं पहन रहा. अरे अनीश अनीश को यार अनीश कितना सही है पागल है देख तो. हाँ आगे में आपका यूनिवर्सिटी है ये मोनास्ट्री है. यहाँ पे आपका लिखा है ग्रेट असेंबली हॉल एंड मोनास्टिक यूनिवर्सिटी. एकदम राइट में आपको जो दिख रही है वो हमारी कार है. यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स है सुविनियर शॉप फूड कॉर्नर भी है और वहाँ पे मेरे दोस्त पागलपंदी कर रहे हैं. मतलब ये लोग कपड़ा अच्छा है बहुत अच्छा कपड़ा 50 रुपीज़ के साथ एक कपड़ा मिलता है. सो ऐसा कि मेरे दोस्त यहाँ पे सारे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोशूट कर रहे हैं. मेरे का फोटो खींच दे रहे हैं. ये रहा मेरा कैमरा. मैं तो राजा को ही मारूंगा. राजा पंती बन गया. राजा क्या कहते हैं रेडी गो. अब लड़कियों को भेजो लड़कियां लड़कियां. अब रानियों को भेजो. ए महारानियों को भेजो. चल बे लेना बे. ए बदमाश बदमाश राजा है ये लोग सब. I forgot my beads, no? I'm gonna bring my beads. तुम लोग जोकर. चलो ये हमारी चार रानियां यहाँ पे. हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए. ये लोग तो बहुत प्यारी प्यारी लग रही. चलो रही. अरे वाह
होटल से ही आएंगे रेडी ये संदीप हट जा भाई तेरा फोटो नहीं ले रहा हूँ कुत्ते का फोटो लेना भी नहीं आएगा वो आएगा कुत्ता रहा बोल रहा है ना ये कुत्ते से बातचीत करते हैं मनीष कहते हैं मुंह दिखाओ उसको फर्क नहीं पड़ा मुंह देगा फिर ये डॉग है मुझे बहुत पसंद आया सिंगल फोटो खींच दे बहुत प्यारा प्यारा तुमने सिंगल नहीं खींचे नहीं मेरे भी खींचा खींच दे खींच दे ये डॉगी वीडियो लग रहे कि और एक सिंगल जा जा मशीन जा 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 दीदी के पास जा ये हम लोग एंटर कर रहे हैं लिंगदा मोनास्ट्री की तरफ सर हम बहुत ही थके क्योंकि हम बहुत दौड़ भागे लेकिन इतना थकावट भरा नहीं है बहुत बड़ा मोनास्ट्री है ये आपका एंट्री हुआ और ये असेंबली हॉल है बहुत बड़ा असेंबली हॉल है कुछ भी अगर पूजा पाठ होता है तो वो लोग बटर लैम्प में करते हैं क्योंकि वो बहुत प्योर माना जाता है यहाँ के कल्चर में और ये पूरा एक बड़ा सा आंगन जैसे बोल सकते हैं ये असेंबली हॉल है तो ये पूरा आंगन जैसे और हर जगह आपको रूम्स दिखेंगे मॉन्क्स तो है अभी ऊपर की तरफ मैंने मॉन्क को देखा था तो यहाँ पर बहुत सारे रूम्स अलग अलग यहाँ पर प्रेयर हॉल है वहाँ पर विश्वानी कुछ बातें कर रही है कितना ब्यूटीफुल है ये वाओ सीरियसली बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है पीसफुल है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप मोनास्ट्रीज में आते हैं तो ज़्यादा शोरगुल ना करें ये शायद विश्वानी का टोप है अभी हम लोग ऊपर आए हैं ऊपर देखने की वो भैया जो ऊपर लेकर आए थे चाबी लेकर हम लोग को दिखाने के ऊपर कैसा सीन है तो ऐसा कुछ है अंदर में बहुत सुंदर बुद्ध का स्टैचू है और वो बहुत पीसफुल है साइड में पहाड़ तो ये लोग अभी स्विमिंग बॉल ट्राई कर रहे हैं मैंने भी एक स्विमिंग बॉल लिया है यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है खरीदने को थोड़ा कम प्राइस में मिल गया मुझे एक जगह पे असल में बड़ा वाला बहुत ज़्यादा दाम में रहता छोटा वाला भी ज़्यादा ही दाम में रहता लेकिन यहाँ पे कम दाम में मेरे फ्रिक्वेंसी के साथ जो मैच करता है वो मुझे मिल गया सो मोनास्ट्री घूमने के बाद ये हमारा होटल है ये हमारा मनीष भाई है वहाँ पे हमारे बैग चल रहे हैं वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त है जूनियर है तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ये बहुत ही सुंदर गाड़ी है मैंने को देखने को मिला ऊपर में भी हमारे ऊपर में हमारे बैग सारे बंद रहे सो अभी सीन बदलते हैं और चलते हैं त्रिवेणी की तरफ से 40 हम लोग 30 से 40 करेंगे 4000 में क्यों तो देखो हमेशा ही करना होता है ये अच्छी सी गाइडलाइन मैं इतनी बुराइयां कर रही हूँ इस राफ्टिंग की और तू मेरा वीडियो बना रहा पलट ना जाए तब तक राफ्टिंग नहीं मजा नहीं कौन कौन कर रहा है हम तो करना चाहते हैं फिर आगे क्या करना है खुद से नहीं पलटा अपन उल्टा करके बैठे निकल रहे हैं ये कि वो सेट लाइफ है बैठे बहुत ज्यादा सेट लाइफ है वहाँ कुछ कर नहीं सकते अगर लामोरिया से नहीं समझा तो उसका सीनियर विल्सन संभालेगा विल्सन की बजाय कंपटीशन करता है हम लोग कष्ट करके रिवर राफ्टिंग के लिए निकले थे लेकिन बीच में गाड़ी खराब हो गई सो अभी सोच रहे वो लेंगे और निकलेंगे सीधा आगे जाके रिवर राफ्टिंग करेंगे ऊपर में बोट भी है जिसको ले जाना पड़ेगा वही सबसे बड़ी मुश्किल है अब शायद लगता है फिर भी चांस है शायद हाँ शायद चांस है नहीं चांस है चांस है चांस है चांस है चल गई चल गई चल गई चल गई चली हाँ चल गई
ये लोग सारे बोटिंग वाले बोट, उसका छोटा पड़ गया वो उसको दे रहे हैं, बाद बाकी एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग सबको को ये दे दिया है जो यहाँ पे यही पोजीशन में सेम फील और साइड में बैठा, उसके ऊपर, इसके ऊपर में दूसरा सीट है और पीछे उसके ऊपर, या ये पर ऐसे नहीं रखना, ये पाला पैर, अरे इधर करो, इधर ये पैर ऐसे, इसको छोड़ो यहाँ पे कोने में डालो, अरे ये देखो कैसे लॉक किया यार, चलो और नहीं नहीं ये कोने में, कोने में डाल दे पहले समझो, उसके बाद में ट्राई करो, नहीं आता है तो बॉय मैं बताऊंगा, मैं गाइड हूँ तुम्हारा, ठीक है। ये देखो ये फ्रंट है, पूरा बॉडी इस साइड में होना चाहिए, तो क्या करना है, ये कैसे बैठे पूरा फ्रंट के तरफ में, तो पैडल को ऐसे पकड़ना है, ये पैडल आई तो ये पर ये इसको ऊपर से आना पड़ेगा, इसको और नीचे मेरा कमर से फॉरवर्ड पूरा तोड़ के साथ में खींचना है पूरा डाल के, ठीक है। चलो ठीक है, हेलो गाइस, पैदल में टक्कर नहीं, ध्यान से आप लोग कहाँ से? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता खेला रहा है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ 7 मील से खेला रहा है, और बोटिंग कर रहा है, दो सिस्टर है, अच्छा दो सी है, बहुत बहुत चला रहे हैं पीछे से, चला रहे हैं यार, मजा आ गया कलम से, कुछ नहीं होगा हमें ना, आगे देखो चला चलाते रहे रे, तू रुक जाएगा तो आगे भी आस्ते जाएगा, आस्ते जाएगा, ये नहीं बैलेंस खराब होता है, बैलेंस खराब हो जाएगा, सब गिरेगा तो इधर यार, अभी हम लोग पावर के बाद फाइनली यहाँ पे त्रिवेणी हमारे कैंप में आ चुके हैं, वहाँ पे दोस्त लोग डांस कर रहे हैं, होप ये कॉपीराइट में ना आए, बट वॉट एवर दैट भी अभी पहुँच गए हैं वहाँ पे। हम लोग ने रिवर राफ्टिंग की, अच्छा था, बहुत अच्छा था, छोटा था लेकिन अच्छा था, लेकिन मज़ा आया, वही बात है। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग अपना सॉर्ट आउट करके जाएंगे और देखेंगे हमारा टेंट कैसा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे हमारा टेंट कैसा दिखने में लगता है। सो यहाँ पे लिखा है पायला एडवेंचर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ पे ही हमने अपना कैंप बुक किया, अंदर में जाके तो बदल दिया नीचे में, लेकिन बदलने का सारा सुविधा है, लेकिन फिर यहाँ पे सब चेंज कर ले रहे, अभी बैग रख देंगे क्योंकि भैया लोग अभी शायद रात में बंद कर देंगे, तो बैग यहाँ पे सेफ रखेगा, और जो सामान हम लोग को लगेगा वो हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि अगर कुछ लगे ठंडा वंडा जैसे कि जैकेट वगैरह कुछ भी है तो हम लोग अपने साथ लेकर जाएंगे, और वहाँ पे टेंट में रख देंगे, तो हम कुछ पैकेट में लेके जा रहे हैं यहाँ पे, हमें चिकन का होगा इधर, चिकन 800 से 500 है, अच्छा ठीक, यहाँ पे चाय भी है, वहाँ पे चौक है, भेज है वहाँ पे, चिकन है, अच्छा ठीक, वहाँ पे चिकन चल रहा है, चिकन पाती है, भेज पाती है, स्वाद एकदम चुम्मेश्वरी, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी, इसलिए सब इतना डेकोरेशन चल रहा है, जब तक दुनिया तेरा परवाना, अरे उनको क्या हो गया,
Happy birthday to you. Maro 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 maro. কনজারভেটিভ ফ্যামিলি থাকি তো ওই জন্যে এত মজা বাইরে বেরোনো এসব হতো না। তো ও যখন থেকে আমার লাইফে এসছে তখন থেকে মেরা লাইফ মে তো মশালা তুমি পায়া সন্দীপ लेकिन ये है यहाँ का पूरा टेंट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था हम लोग त्रिवेणी में हैं और यहाँ पे बहुत सारे टेंट हैं, मोर देन 100 टेंट। सारे में आपके लोग तो बैठे नहीं लेकिन हमारे टेंट में हैं और आगे कुछ टेंट में हैं। बात बाकी हमारे टेंट का नाम है पोयला और वहाँ पे हमारा किचन है, बाथरूम है, तो वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे, जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। अब हमारे प्यारे मनीष भाई जूते को छोड़कर हमें थोड़ा टेंट के बारे में बताएंगे। आपको टेंट के बारे में जानना है? हाँ जी, हाँ जी। आप अंदर आइए। ठीक है। ये हमारे तीन सीटर तीन स्लीपर टेंट है हमारा। हाँ। और हमारे सबसे खास बात है कि हमारे ही टेंट में हमारी लाइटनिंग है, बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे तो अच्छा है क्योंकि यहाँ की जो ठंड है उसके हिसाब से कहा जाए तो ये टेंट बहुत ही सुंदर है। और अगर कहीं भी आप जाते हैं इस टेंट में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंड बहुत बच जाएगी, ठंड से बहुत बच जाएंगे आप। टेंट बहुत सुंदर लगा, सोने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और इस हिसाब से हम कहें तो इसको टेंट पे हम 5 नंबर। क्या आप फिर से कभी ऐसी एक एडवेंचर करना चाहेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसी ही एडवेंचर हम दोबारा करेंगे। हमारी दुलारी विश्वानी से पूछते हैं उन्हें ये सवेरा और ये पूरा ट्रिप कैसा लगा?
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि विली बाबा, हम आपको पकड़ के और एक ट्रिप पे लाएंगे। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ये हमारा आज का कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, आटे की पूरी और घुगनी, तो मुझे बहुत दिनों से खाने का मन था। तो हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी विश्वासनी जी, आज की इस क्लोजिंग में, क्लोजिंग टिप में आप क्या कहना चाहेंगे? मजा भी बहुत हुआ, पर सबसे ज्यादा मजा आया नदी में कूदने में। अभी थोड़ा सा टाइम अगर हमको मिलता है तो मैं कोशिश यही करूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए नदी में जाने के लिए, ताकि मैं अपने जो मन की जो पूरी इच्छा नहीं हुई है अभी तक, वो मैं अपनी इच्छा पूरी करूं। देखो नदी इम्पोर्टेंट है, हम आपको सपोर्ट करके हम जाएंगे, आप चलिए, नदी इम्पोर्टेंट है ना। तो बस बस आधे घंटे का टाइम है हमारे पास, 15 मिनट अपन नदी में कूदते, 15 मिनट तैयार होंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे, ठीक है? आपका क्लोजिंग ट्रिप में कुछ बोलेंगे? मैं तो खुश हूँ बस, और क्या बोलूँ, मजा आ गया और ठंडी ठंडी लग रही है और ठीक है बस, मौसम में लड़का लोग पानी में कूदेगा, बहता पानी है, देखते हैं कोई डूब ना जाए, नहीं तो हमें तैरना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। बड़ा तेरे को तैरना आता है, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स। संदीप भाई आज की क्लोजिंग ट्रिप में कुछ बोलेंगे? मजा आ गया, थोड़ा सा टाइम और साथ में बिता लेंगे तो अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, टाइम बिताना चाह रहा था, मजे लिए था। अरे सौरभ भाई कहाँ तू, उधर छुप रहा है, तू कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए क्लोजिंग टिप में क्या बोलना चाहेंगे? बोल तो क्या, घर चलते हैं, चार दिन हो गए सोए नहीं है। कौन ब्लॉगर आ गया सर, क्लोजिंग टिप में हमारे बीच में कुछ बोलेंगे? वो स्टेशन पे मैं आपको फोन करूंगा ना, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, मैंने बहुत ट्राई करा। किस चीज का? अच्छा पेमेंट, अरे तू कर दे रहा हूं। हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची भी आई है घूमने के लिए इतनी ठंड में, बच्ची को आइए हम जानते हैं हमारे बीच उपस्थित और भी अन्य सम्मानीय सदस्य गणों से कि आज की क्लोजिंग ट्रिप में इन्होंने कैसा फील कर रहे हैं। यार ये तो क्यों पूछ रहा है मनीषा जी, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इट वाज अमेजिंग, इमोशनल चीज हो गया, दूर होने की नौबत आ गई है। मनीष अपना टॉक दिखा दे अब, बस हो गया, बहुत हो गया। ये मेरे टॉक में फिदा हुई है, इसको टॉक सिखाते जाऊंगा मैं। राजीव भाई हाउ टू फील क्लोजिंग ट्रिप? बहुत अच्छा लगा और फिर से आएंगे बिल्कुल, और थैंक्स फॉर द ट्रीट। पार्टी तो बनेगा। भाभी जी कुछ बोलिए। क्या बोलूँ मैं, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये जगह भी बहुत अच्छा है और जो साथी मिला बहुत बहुत अच्छा था, इसलिए टूर बहुत अच्छा हो गया। साथी में ये जो ग्रुप था कंपनी, आप लोगों को मेरा यहाँ तक का सिक्किम का सफ़र अच्छा लगा होगा। वैसे तो सिक्किम का बहुत सारा जगह मैंने घूम लिया है, उसका लिंक मैं ऊपर में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन ये ट्रिप कुछ ज़्यादा ही सुंदर होगा क्योंकि इसमें मेरे साथ मेरे दोस्त होंगे, वो भी मेरे ग्रुप के बहुत सारे दोस्त होंगे, और साथ में यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा जो कि हम आप लोगों को GoPro से दिखा पा रहे हैं, DSLR से दिखा पा रहे हैं। पिछले बार जब हम गए थे मेरे पास GoPro और DSLR दोनों ही नहीं था, और इस बार मेरे पास ये दोनों ही है। सो लाइक हाउ टाइम फ्लाइज बाय, और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है कब क्या हो जाए। लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास GoPro होगा, माइक होगा, DSLR होगा, इतना कुछ होगा और हम ये ऐसा रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई न्यू ब्लॉग अपलोड करें आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम अपना सिक्किम का ब्लॉग। सो दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद। हाजी हाजी शो मी योर बार्गेनिंग पावर। 100 करके ही नहीं, ये कितने करके? ये 200 है, ये 200, ये क्या हुआ, ये 100 तो 100 का है, 100 में से 100, ओके ले लेते तो 3 ले लेते। तुम लोग इतना सारा ऑरेंज खाओगे अकेले? नहीं गाय स्टेशन में बचेगा, ऐसा करें कैसे लगे ऑरेंजेस? ऑरेंजेस कैसे लगे?
कैसा लगा? बहुत बढ़िया। रिएक्शन देखो मैं मैं ऑनेस्ट चीज बोलता हूँ, ये बहन वाले दार्जिलिंग वाले लेकिन जयपुर में 60 रुपए के मिलते हैं, ये वाले से तो वैल्यू बढ़ जाता है भाई। ऊपर आ गया तो वैल्यू बढ़ जाता है। बिस्वानी जी किधर गई? दिख नहीं रही है, अब दिख रही है, अब दिख रही है। ए पैसा दे, पैसा दिया रे, पैसा दिया नहीं आ गया। विजन दे रहे, विजन दे रहे, विजन दे रहे। आपको वहाँ पे मिलता है ये? ऐसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। सब सब एक है, दो, एक महीने के लिए, एक महीने का संभ्रास्त होगा। वाह विशलवा, क्या मोहब्बत है।